अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिसमस स्पेशल सेंटा केक। तो सेंटा केक हम वनीला केक में बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने एक बोल लिया है। ये मैंने दो अंडे लिए हैं, उसका वाइट पार्ट अलग कर दिया है और येलो पार्ट अलग कर दिया है मैंने। तो सबसे पहले हम एग वाइट ले लेंगे। मैंने दो अंडे लिए हैं, आप तीन भी ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बीटर से हम एग वाइट को बीट कर लेंगे। स्पीड को पहले लो रखना है, जब ये थोड़ा फ्लफी सा होने लगे, ये देखिए, तो स्पीड को हाई कर देना है और इसको इस तरीके से बीट कर देना है। अब मैं इसमें 2 कप पाउडर शुगर डालूंगी। इसी कप से मैं 2 कप इसमें पाउडर शुगर ऐड करूंगी। एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए और फिर उसको बीट करते जाइए। और स्पीड को लो ही रखिए, वरना वो उड़ सकता है। टू पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। ये 1/2 कप मैंने मेल्टेड बटर लिया है, आप रूम टेम्परेचर पर भी ले सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 2 येलो पार्ट जो हमने रखे थे अंडे के, वो भी डाल दिए हैं। अब इसी कप से मैंने 2 कप पाउडर शुगर डाली थी, तो इसी कप से मैं 2 कप मैदा डालूंगी। फोल्ड एंड कट करते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे स्पून से। फोल्ड एंड कट के मेथड से हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है, थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते हुए इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको बीट कर लेंगे। स्पीड को लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। जितनी अच्छी तरीके से आप एग वाइट को बीट करोगे, फ्लफी करोगे, उतना ही स्पॉन्जी आपका केक बनकर रेडी होगा। तो ये मैंने केक टिन ले लिया है, इसमें मुझे गोल साइज़ का बटर पेपर लगाना है। तो उसको कट करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ईजी तरीका है। इसको इस तरीके से स्क्वायर फोल्ड कर देना है। ये बटर पेपर लिया है मैंने, अब इसको कट कर देना है हमें। तो ये देखिए कितना इजी था, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी और हमारा इजी तरीके से गोल साइज़ का कट के रेडी हो चुका है बटर पेपर। तो हमने इसको इसमें रख दिया है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर को भी ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम हमारे केक के बैटर को डाल देंगे। देखिए इतनी थिकनेस रखनी है आपको, ज़्यादा पतला नहीं करना है बैटर को, गाढ़ा ही रखना है। इसको टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। तो इसको मैंने ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए। 180 टेम्परेचर पे हम इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, हम हमारी क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 2 कप। मैंने आपको पहले भी बताया है क्रीम को कैसे बीट करना है, जब हमने डॉल केक बनाया था तब। बस आपकी क्रीम बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, तभी वो बीट होगी। स्पीड को लो रखते हुए आप इसको बीट कर लीजिए, जब ये गाढ़ा होने लगे तो स्पीड को हाई कर दीजिए। तो मैं सेंटा केक बना रही हूँ, तो मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए। एक मैंने रेड लिया है, मैंने इसमें 25 ड्रॉप डाले हैं रेड कलर के, तब जाकर रेड कलर बना है। रेड कलर आसानी से नहीं बनता है, आपको थोड़ा बनाकर उसको रखना पड़ता है, तब उसका कलर आता है। और ये मैं स्किन कलर बना रही हूँ, इसमें मैंने 1/2 ड्रॉप से भी 1/2 रेड कलर डाला है और 1/2 ड्रॉप से भी 1/2 मैंने येलो कलर डाला है। तो ये देखिए हमारा स्किन कलर बन के रेडी है। मैंने स्पॉन्ज को कट कर लिया था 2 हिस्सों में। मैं इसको मिल्क से सोक कर रही हूँ, आप शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं। वैसे भी केक हमारा मीठा होता ही है, तो आपको जो पसंद है आप उससे इसको सोक कर सकते हैं।
सॉफ़्ट हो चुका है हमारा केक, सॉफ़्ट होना चाहिए। इतनी अच्छी तरीके से आपको सोक करना है इसको। अभी क्रीम लगा देंगे इसके ऊपर। अब सेकेंड वाला स्पॉन्ज भी रख देंगे और उसको भी हम मिल्क से सोक कर लेंगे। अब इस पर भी हम क्रीम लगा देंगे और पूरे केक को कवर कर देंगे क्रीम से अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैंने केक को अच्छी तरह से कवर कर दिया है क्रीम से। साइडों में भी लगा लेंगे आप अच्छी तरह से। ये मैंने स्क्रैपर लिया है, इससे हम इसको थोड़ी फिनिशिंग दे देंगे। तो ये मैंने फिनिशिंग दे दी है केक को। ये मैंने रेड वाली जो मैंने क्रीम बनाकर रखी थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल के इस तरह से मोटा कट कर लिया है। विदाउट नोज़ल यूज़ कर रही हूँ मैं, नोज़ल का यूज़ नहीं किया है। तो सेंटा की पहले हम कैप बना लेंगे। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते जाएंगे और उस सेंटा की कैप बनाकर रेडी कर लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कैप बना ली है। अब सेम उसी के ऊपर एक लाइन और रिपीट कर देंगे। ये मैंने जो स्किन कलर बनाया था वो मैंने लिया है, इसको हम पूरे फेस पर लगा देंगे। और स्क्रैपर से इसको प्लेन शेप दे देंगे हम। ये मैंने वाइट क्रीम ली है और स्टार नोज़ल का यूज़ किया है, उससे हम कैप पे डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये देखिए कैप की डिज़ाइन बना ली है मैंने और ये जो साइड में भी मैंने डिज़ाइन बनाई थी उस पर भी हम एक राउंड कर लेंगे सर्कल। तो सेंटा की कैप बनकर रेडी है हमारी। ये मैंने डार्क चॉकलेट ली है, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है डबल बॉयलर में, इससे हम आइस बना लेंगे। आपको जैसा पसंद है आप वैसा बना सकते हो, वाइट से भी आइस बना सकते हो, मैं चॉकलेट से बना रही हूँ। तो मैंने आइस भी बना लिए हैं। अब मूंछ बना लेंगे हम।
और जो स्किन कलर की मैंने पाइपिंग ली थी उससे हम नोज़ बना लेंगे। तो एक बड़ा सा डॉट दे देना उसको, टाइनी नोज़ होती है। अब हेयर बना लेंगे हम सेंटा के। जो दाढ़ी होती है वो बना लेंगे। तो एक बार और मैं इसके ऊपर बना लूँगी। तो जो रेड हमारी क्रीम थी उससे मैं इसके साइड में शेप दे दूंगी। तो ये देखिए हमारा सेंटा क्लॉज केक बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।